हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 7। और चैप्टर 7 का नेम है आपका अल्टरनेटिंग करंट मींस एसी करंट। तो एसी करंट पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का क्या होता है आपके पास? यूनिडायरेक्शनल करंट मींस जो करंट आपका वन डायमेंशनल मींस वन डायरेक्शन में फ्लो होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम? डीसी करंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये बैटरी है या फिर सेल, बैटरी इस तरह से, इसमें से आपका जो करंट फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन में होगा, मींस करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होगी, राइट? ओके, तो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे हम इसका? ये देखो ग्राफ, ये है हमारे पास आई और टी में, तो ये कैसे जा रहा है आपका? पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। या फिर हम और डायग्राम बना लें, और ग्राफ बना सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, ये देखो डाउन नहीं गया, या फिर आपका नेगेटिव की तरफ इस तरह से, ये पॉजिटिव में है और ये आपका नेगेटिव में है। यदि ये आपका इस तरह से हो जाता है तो ये क्या चलेगा आपका? एसी चलेगा। ये क्या चलेगा आपका? एसी, राइट? अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को चेंज करता है, कि जैसे ये यहाँ से ऐसे जा रहा है पीरियोडिकली, मीन्स इसको बोलते हैं हम साइनसोडियल करंट। और ये क्या होगा? जितना आपके पास पॉजिटिव साइकिल में होगा उतना ही आपके नेगेटिव साइकिल में होगा। और एसी का सिंबल इस तरह से होता है, थोड़ा सा इस तरह से बनाकर और इसको सर्कल में बंद कर देते हैं ऐसे, ये एसी का सिंबल होता है, राइट? अबे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने एसी जनरेटर पढ़ा दिया मैंने आपको, एसी जनरेटर के अंदर जो करंट आया था वो आपका एसी था। वहाँ से आपको आई की वैल्यू क्या मिली थी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई क्या आया था हमारे पास? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपकी ईएमएफ थी और ये आपका करंट, या फिर हम इसको डिनोट कर दें वी से, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब ये देखो हमें कैसे निकालना है इसको, बोलेंगे हम आई है जो यहाँ पर आई और ये ई, ये होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। विच करंट? इंस्टेंटेनियस करंट या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो आपको निकालना है ये एक ही इंस्टेंट पर, मींस ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें मुझे एक हर एक पॉइंट का चाहिए पर्टिकुलर, इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए ऐसे। तो हर एक इंस्टेंट पर निकालने के लिए हमें कौन सा करंट चाहिएगा? इंस्टेंटेनियस। और ये देखो ये आपके पास इस तरह की कर्व कौन सी होती है? साइन कर्व होती है। और यदि हम इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करें तो ये कौन सी कर्व होगी आपके पास? कॉस कर्व होगी, ठीक है? तो हमें साइन कर्व में लेना है, कॉस कर्व की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन साइन से ही करेंगे। ये देखो यदि मैं यहाँ पर लेती हूँ इसको जीरो पे, ठीक है, जीरो पे लेती हूँ, तो जीरो पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास जीरो हो जाएगी। और जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मींस इस पॉइंट पर आई क्या होगा? जीरो होगा। इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर लूँ और इस पॉइंट पर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे पास 90 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसमें आपके पास जितना करंट आपने पास किया है उतना करंट आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास होगा, अब देखिए ग्राफ में इस तरह से सेम है आई का और वी का ग्राफ, ठीक है? अब ये देखो ये हो गया मेरे पास इस तरह से, तो ये मेरे पास मैक्सिमम है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये मैक्सिमम मींस यहाँ पर मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू मिली है आई नॉट की भी और वी नॉट की भी, ठीक है, क्लियर? और इसको बोलेंगे हम, जो आई नॉट है इसको बोलेंगे हम पीक करंट या फिर इसको बोलेंगे हम पीक वोल्टेज। ये आपका है पीक करंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? पीक वोल्टेज। क्या हो जाएगी आपकी? पीक वोल्टेज मींस हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। पीक का मतलब है मैक्सिमम, ओके? अब है आगे एवरेज वैल्यू।
एवरेज मीन्स मीन, मीन निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, मीन निकालना है। तो हम छोटे छोटे पार्ट ना, छोटे छोटे पार्ट पे ले रहे थे हम करंट की वैल्यू, अब उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तभी मीन निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पर मीन दूसरे तरीके से निकालेंगे, कैसे, जैसे कि आई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, डी क्यू अपन डी टी होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, अब ये यहाँ से देखो आई किसके इक्वल हो गया, डी क्यू अपन डी टी के इक्वल, और इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इस तरह से आई डी टी हो गया और डी क्यू। तो टोटल निकालने के लिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी क्यू का क्या बन गया, क्यू, और इसको कैसे लिख दिया हमने, एज इट इज़ लिखा आई डी टी। ओके, और जब भी आपका करंट है, वोल्टेज है, फोर्स है, कुछ भी है, कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और वो टाइम के साथ चेंज होती है, तो उसका जो मीन है वो हम इस तरह से निकालते हैं। ये देखो आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू को पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और टी का टोटल निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, डी टी, क्या कर दिया, डी टी का इंटीग्रेशन। आप ई एम एफ की निकालोगे, अब यहाँ से ई एम एफ की निकालो, ये तो था करंट के लिए, अब ई एम एफ को निकालो, ई एवरेज, ई एवरेज क्या आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन में डी टी। पावर का एवरेज निकालो, पावर का एवरेज कैसे निकालेंगे, पी डी टी अपॉन में डी टी। ठीक है, आया समझ, इस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, ये याद कर लो। सेम वही फार्मूला, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आई डी टी किसका फॉर्मूला हो गया, क्यू का, और ये किसका होगा, टोटल करंट का, बस। ठीक है, अब आगे देखो, न्यूमेरिकल लिया मैंने जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है, थ्री टी स्क्वेयर है, इसका मीन निकालना है 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे इसका, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 to 2, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेकर 2 तक निकालना है, तो लिमिट लगा दी हमने 0 to 2, आई डी टी, आई की वैल्यू पुट की हमने 3t² dt, और 3t² इंटीग्रेशन क्या होता है इसका हमारे पास, 3t³ / 3, ये आपको पता है, टी स्क्वेयर का जब इंटीग्रेशन करेंगे प्लस में 1 / 2 + 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3t³/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये लिमिट को हमने लगा दिया बैक साइड। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, टी होता है, और ये मैंने इसके पीछे क्या लगा दी, लिमिट लगाई है। अब नीचे वाले को सॉल्व करो, क्या आएगा, टी अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 - 0, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा लोअर। अब देखो ऊपर टी क्यूब है, टी क्यूब के प्लेस पे 2 रखो और क्यूब करो और माइनस में 0 करो, तो कितना आ जाएगा, 8 - 0 - 8, तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 4 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लो इसी तरह से, अब मैंने ग्राफ का ले लिया एग्जांपल, अब इसमें देखो ग्राफ में ये कैसे जा रहा, देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से जा रहा, मीन्स ये एसी है, एसी है, तो ये कितना एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ पे हमारे पास, मैक्सिमम करंट कितना, 2 एम्पियर, नीचे भी कितना आपका, -2 एम्पियर, क्योंकि ये नेगेटिव में है। ओके, बट करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब ये देखो, फाइंड द एवरेज करंट ओवर आ फुल साइकिल, 2 ऊपर है 2 नीचे है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, एवरेज के लिए 0 होगा, ये ध्यान रखना है। एवरेज मीन्स फुल साइकिल के लिए करंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 2, हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 2, हाफ साइकिल के लिए 2। अब ये देखो, ये डेरिवेशन है आपका, डेरिवेशन है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 to t, ये हम निकाल रहे हैं किस साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, ये ध्यान रखोगे, कौन सी है, फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब, फुल साइकिल का मतलब ये देखो हमारे पास कंप्लीट 1 साइकिल, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 1 साइकिल, इससे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो, इसको ड्रॉ करो, ये मैंने 0 ओरिजिन से स्टार्ट करा, ये आपकी एक पूरी साइकिल है, पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ है और ये आपकी नेगेटिव हाफ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मेरे पास
हाफ टाइम है और यहाँ तक मेरे पास फुल टाइम है, तो ये मेरे पास टी बाई टू टाइम है, तो ये कंप्लीट मेरे पास कितना है, टी टाइम है, टी टाइम के लिए। ठीक है, तो मुझे कितना लेना है टी टाइम के लिए फुल साइकिल, ये है मेरे पास फुल साइकिल है। ओके, अब देखो एवरेज का फॉर्मूला पुट किया, आई डी टी इंस्टेंटेनियस करंट में मेरे पास आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद डी टी, अब इसमें मैंने आई नॉट, देखो मैक्सिमम करंट होता है टेकिंग आउटसाइड, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे देखो तो टी लिखोगे, तो जीरो टू टी करोगे तो अपर लिमिट टी माइनस जीरो, तो ये ध्यान रखोगे। नीचे तो आपका हर हालत में टी आने वाला हर एक केस में, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टी, ये लिख दिया मैंने टी। तो अब ये देखो आई नॉट टेकिंग आउटसाइड, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन नीचे ले जाकर क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, तो ये अब आ जाएगा ओमेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ओमेगा टी नीचे आ गया हमारे पास, ऊपर कितना बना माइनस का साइन बाहर ले लिया और आई नॉट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा टी माइनस में कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे इधर देखिए, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई न्यू होता है, और न्यू किसके इक्वल होता है, वन अपॉन टी के इक्वल, तो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन में टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, तो ओमेगा टी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, टू पाई रखेंगे, तो कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो, और कॉस टू पाई मीन्स कॉस 360, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, वन, तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो। यही मैंने आपको अभी क्वेश्चन में किया था कि एवरेज करंट ओवर अ फुल साइकिल कितना होता है जीरो, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये कर लेना इसका डेरिवेशन। अब है आपका आगे, आगे है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल। अब हम हाफ साइकिल करेंगे, क्यों, क्योंकि हाफ साइकिल पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, हाफ साइकिल करेंगे, फुल साइकिल हम कर चुके हैं, तो हाफ साइकिल को देखो क्या करना है, हाफ साइकिल के लिए हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू को कितना रख देना है, जीरो टू टी बाई टू, फुल साइकिल के लिए क्या रखेंगे हम, जीरो टू टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन फर्स्ट, एवरेज निकाल देते हैं। अब ये देखिए एवरेज आई डी टी अपॉन में डी टी लिमिट जीरो टू टी बाई टू, ठीक है, अब यहाँ देखो जीरो टू टी बाई टू लिमिट नीचे वाले को सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आएगा आपका टी आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए तो टी बाई टू माइनस में जीरो, तो नीचे कितना आ गया आपका टी बाई टू। अब आ जाइए ऊपर वाले पार्ट के लिए, ऊपर वाले पार्ट के लिए देखो अभी किया था साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा जाकर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आई नॉट और टू, ये वाला टू को ऊपर ले गए हम, तो टू आई नॉट ओमेगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा टी अपॉन में टू माइनस में कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और ओमेगा टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू पाई, तो टू से टू कैंसिल, क्या मिल जाएगा अंदर, कॉस पाई माइनस वन, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस टू, और माइनस टू नीचे ओमेगा टी आ जाएगा, इस टी ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा टी, अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ जाएगी आपके पास टू पाई, तो एक टू से टू कैंसिल, अब मिला हमें रिजल्ट टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू आई अपॉन में पाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे टू आई इंटू में नीचे आ जाएगा आपका टू पाई अपॉन में सेवन, ऐसे सॉरी पाई की वैल्यू कितनी होती है, ट्वेंटी टू होती है, सॉरी ये आ गया ट्वेंटी टू अपॉन में सेवन, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका ये 0.637 आई नोट। या तो आप इसको याद कर लो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, चाहे आप इसको लर्न कर लो, एक ही बात है,
कोई सा भी आप लर्न कर लो, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेम, अब करेंगे हम एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल। ये किसके लिए एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये एसी ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए करेंगे। तो ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए करना है। तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, वही 0 से T/2। और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E = E0 sin ωt। तो यहाँ पे EdT जैसे IdT लिखा था और अपन में dt, ये सेम है, तो ये हमारे पास सेम आ जाएगा T/2। और E0 sin ωt वैल्यू पुट कर दी, तो E0 / ω sin ωt का इंटीग्रेशन, तो ओमेगा को ले लिया बाहर, और साइन का क्या बन जाएगा आपका -cos ωt। अब -2E0 टेकिंग आउटसाइड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, cos ωt, क्योंकि t की वैल्यू T/2, ωt -cos0, ठीक है। और नीचे ये आपका ωt, और ωt के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, π/2। क्या पुट करेंगे, 2π, मींस ωt के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 2π, और अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें cos π माइनस में cos0। ये बिल्कुल डेरिवेशन सेम एज एवरेज करंट का है, बस यहाँ पर हमें E यूज़ करना है और वहाँ हमें I यूज़ करना है, बस ये फ़र्क है। तो सेम रिजल्ट देखो, यहाँ पे आ जाएगा cos π की वैल्यू -1, cos0 की वैल्यू -1, -2E0, ये ωt के प्लेस पे 2π पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया ये -2, मींस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो रिजल्ट वही आ गया ना, 2E0 / π। और एवरेज करंट में क्या आया था हमारे पास, आई एवरेज जो निकाला था वो आया था 2I0 / π, और यहाँ पे आया है 2E0 / π, और ये वैल्यू आप सॉल्व करके ये कर लोगे 0.37 I0 या E0, ठीक है। आई एवरेज के लिए E0 आ जाएगा और ई एवरेज के लिए E0 आ जाएगा इसके साथ, ओके। ये हो गया आपका, एक बार देख लो इसको, ये देखो सेम है आपका, यहाँ पे IdT यूज़ किया है और I0 sin ωt, नीचे वाला पार्ट आपका सेम, और ऐसे ही आपका इसमें है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। देखो बच्चों, जो हमने प्रीवियस हमने चैप्टर पढ़े थे 6th चैप्टर तक, वहाँ तक हमारे पास डायरेक्ट करंट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास एसी करंट की बात है, एसी वोल्टेज की बात है। तो यहाँ पर हम एसी में हर एक चीज़ पढ़ेंगे, हर एक फैक्टर पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, एसी करंट कितना है, एसी वोल्टेज कितनी है, आरएमएस कितनी आती है, आरएमएस क्या है आपके पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है, जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट, वो जो 220 वोल्ट है वो हमारे घरों में आरएमएस है। क्या है, 220 जो वोल्ट है ये हमारे पास आरएमएस वोल्ट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको कहे कि वोल्टेज इतनी दे रखी है, तो वो आपको आरएमएस वोल्टेज दे रखी है, ध्यान रखोगे, ओके। अब ये देखो, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आगे। अब मैं देखो, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, तो हम इसको लर्न करेंगे, पीछे से स्टार्ट करो, स्क्वायर मीन या फिर एवरेज रूट। सबसे पहले क्या करना है हमें, आईआरएमएस निकालने के लिए क्या करें, जो करंट है आई है, देखो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट लिया, सबसे पहले क्या लिखा है, स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करना है, मीन, ये जो सिंबल बना रही हूँ मैं लेस देन और ग्रेटर देन, ये मीन का सिंबल है, फिर क्या कर दिया, मीन, और फिर उस पर क्या लगा दिया, रूट।
रूट मीन स्क्वायर, देखो रूट मीन स्क्वायर आ गया सीधा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, अभी देखो यहाँ से स्क्वायर मीन या एवरेज रूट, तो अंदर सबसे पहले स्क्वायर लगाया, फिर मीन और फिर उसका रूट, तो आ गया आपके पास जो पूछा था। ऐसे ही आपके पास वी आर एम एस, पहले वी का स्क्वायर, फिर उसका मीन और फिर उसका रूट। ठीक है, जो ई से पढ़ रहे हो तो ई से पढ़ लेना, जो वी से पढ़ रहे हैं वो वी से कर लेना, दोनों सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी वोल्टेज की, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आप अपने डेरिवेशन को किसी से भी कर देना। मैंने ये दोनों इसलिए लिए हैं किसी किसी बुक में ये ई से कर रखा है, किसी बुक में आपका वी से कर रखा है, तो कभी आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने ये दोनों ले लिए हैं। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई की क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा वी आर एम एस और आई आर एम एस, वी आर एम एस होगा वी नॉट अपॉन अंडरूट टू और आई आर एम एस होगा आई नॉट अपॉन में अंडरूट टू। जो हमने आई एवरेज निकाली थी वो आया था हमारे पास टू आई अपॉन में पाई। ठीक है, ये ध्यान रखोगे यहाँ पे अंडरूट टू आ रहा है नीचे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमें। तो आई आर एम एस किसके इक्वल, अंडर रूट मीन आई नो आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू पुट कर दो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर मीन, फिर वो सेम टू सेम ऐसे ही आप क्या करोगे इसके जो साइन है उनको लगाओगे, फिर मीन निकालोगे, मीन आपको इसका निकालना है इंटीग्रेशन कर दोगे, मतलब आई की वैल्यू क्या थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैंने अंदर पुट कर दिया तो ये बन गया आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऐसे ही तो निकालेंगे, ओवर ऑफ फुल साइकिल, ये काम हम फुल साइकिल का करेंगे। ठीक है, और अपॉन में डी टी और जीरो टू टी वही तो लिखा है और अंडर रूट को लगा दिया है पावर हाफ। अब ये देखो हमारे मैथ्स में साइंस केयर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो साइंस केयर को क्या करेंगे हम पहले हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे कि जो हमारे पास साइन टू थीटा, ये स्केयर नहीं है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में टू। हम यहाँ पे साइन स्केयर की जो वैल्यू, सॉरी ये टू थीटा नहीं है, साइंस केयर है, साइंस केयर की जो वैल्यू होती है, साइंस केयर थीटा की जो वैल्यू होती है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में टू होती है, यहाँ पर टू थीटा आ जाएगा और थीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास ओमेगा टी है। तो आइए इधर, तो आई नोट स्क्वेयर वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन में टू, क्योंकि थीटा के प्लेस में ओमेगा टी कर दिया और ये डी टी और आपकी पावर हाफ चली रही है अपॉन में क्या आ जाएगा टी। तो देखो ये टू बाहर ले लिया, ये आ गया अपॉन में आ जाएगा ना नीचे जाके, और ये टू टी आ गया और आई नोट स्क्वेयर बाहर ले लिया क्योंकि आई नोट आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है आपका। तो अब क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे, किस तरह से, इस तरह से आई को मतलब वन को डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखो कॉस ओमेगा टी लो, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और इसके साथ टू और चल रहा है तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका टू ओमेगा आ जाएगा, और वन डी टी है तो वन डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी होता है, आप यहाँ पे वन लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है कॉन्स्टेंट है, तो ये डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी। तो इसकी जब आप टी की वही सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो टी ही आएगा, तो मैंने इसलिए उसको टी ही लिखा है। अब ये देखो आगे, तो साइन कॉस का क्या आ जाएगा, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी अपॉन में टू ओमेगा, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो करो पुट
ये 1/2 ओमेगा को बाहर ले लिया और इस चीज़ को आगे की सेम रखा है, तो साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 2 ओमेगा t के प्लेस पे 2π पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? साइन 4π। और साइन 4π की वैल्यू क्या होती है? वो भी क्या होती है आपकी? 0 होती है। ये याद रखना है बच्चे। तो साइन 4π की वैल्यू 0 और ये 0, तो पीछे वाला पार्ट मेरे पास, ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका? 0 बन गया, ठीक है। लेकिन ये पावर अब भी हमारे पास पूरे के हाफ है, तो आई नोट का स्क्वेयर, यहाँ पे टी ले लिया, ये अपॉन में 2t और इसकी पावर 1/2, ठीक है। ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो 1/2 इसकी पावर है हमारे पास, 1/2 इसकी पावर हो गई, और ये आई, इसकी आई नोट की पावर स्क्वेयर चल रही है, तो ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन रूट किस पे चढ़ जाएगा? 2 पे। तो जब आप इसको अंडर रूट 2 को रैशनलाइजेशन करोगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 आई नोट अपॉन में, ये अंडर रूट 2 होगा अपॉन में 2। तो इसको लिखोगे आप 1.414 अपॉन में 2 और इंटू में आई नोट, तो इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका? 0.707 आई नोट। आप या तो इस रिजल्ट को याद करो या फिर इस रिजल्ट को याद करो, ये आपके लिए न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। और जब ये आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में यदि अंडर रूट 2 दे रखा और कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अंडर रूट 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो वो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अब ये देखो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, जैसे हमने करंट की निकाली है RMS वैल्यू, ऐसे ही सेम हम किसकी निकालेंगे? वोल्टेज की निकालेंगे, मीन्स EMF की निकालेंगे। सेम किया, E का स्क्वेयर, फिर उसका मीन और उसका अंडर रूट। E की वैल्यू पुट करी, E नोट स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, फिर उसका क्या निकालेंगे? मीन। मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन कर दिया और उसकी पावर कितनी हो गई? हाफ, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी की तरह, अब साइन स्क्वेयर का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, तो साइन स्क्वेयर को हमने क्या किया है? पहले फॉर्मूले को साइन स्क्वेयर ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 1 cos 2 ओमेगा t अपॉन में 2, ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, और ई नोट स्क्वेयर बाहर। अब इसको वही सेपरेट सेपरेट किया, मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कॉस ओमेगा टी इसका वाले का आप इंटीग्रेशन करोगे, 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? ई नोट अपॉन में 2t आपका बाहर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वेयर, तो यहाँ से जो चलेगा आपका ये 1 dt हो जाएगा, माइनस में कॉस 2 ओमेगा t, और इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है इस वाले टर्म का, पीछे वाले टर्म का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओनली t बचेगा, तो मैंने ये कर दिया है। आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। तो रिजल्ट देखो, दोनों का सेम आया, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। यहाँ पे आपका ई नोट आया है और वहाँ पे आपका क्या आया था? आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। ये आपका IRMS है और ये आपका ERMS है, ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट नोट है ये देखो कि जो DC डिवाइसेस हैं वो कैन नोट मेजर अल्टरनेटिंग करंट या EMF। जो DC डिवाइसेस हैं जिससे डायरेक्ट करंट आप मेज़र करते हो, उनसे आप AC करंट को मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास एमीटर और वोल्टमीटर है, ये आपको कैसे कितनी वैल्यू शो करेंगे? 0 वैल्यू शो करेंगे रीडिंग फॉर AC के लिए। ये ध्यान रखोगे, 1 mark में क्वेश्चन आ जाएगा आपका MCQs में, या 1 number में कैसे भी पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका। अब ये है कि अब फिर जब हम इनसे मेज़र नहीं कर सकते तो AC को कैसे मेज़र करेंगे? उसके लिए डिवाइस है आपके पास हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर एमीटर या फिर हॉट वायर वोल्टमीटर यूज्ड फॉर AC। दे मेज़र IRMS, मतलब IRMS और EMF या वोल्टेज को मेज़र करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर, ठीक है, ओके।